अभी 5 रुपए गिरा है, 20 रुपए बढ़े हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिब लोच, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ कराची। आज हम बात करेंगे पेट्रोल के ऊपर। कभी तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी कमी कर दी जाती है। आइए हम आवाम से बात करते हैं, आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। जनाब ये बताइएगा, कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी कमी की जाती है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि इनकी बस यही कोशिश होती है आवाम पे किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बम गिरा दे, बस कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आवाम ही आके पिसती है, हुक्मरानों का तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बस आर्डर करने होते हैं। तो लिहाजा यही कह सकते हैं, आवाम से अपील है कि हर चीज़ में कमी करें ताकि आवाम को भी थोड़ी सहूलत मिल सके। आप ये बताइएगा, कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है तो कभी कमी कर दीजिएगा, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से यही कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ही रेट पे रखे जो बार बार बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी 24 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर 5 रुपये गिरा देते हैं, इस तरह तो फिर सही नहीं चलिए, सही नहीं होता। तो एकदम इन लोगों को रेट गिराने चाहिए। आपको क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आप जो है कम कर दिए, अब आने वाले दिनों में बढ़ा दिया जाएगा या फिर और मज़ीद कमी कर दी जाएगी? या आने वाले दिनों में और बढ़ा देंगे, अभी 5 रुपये गिराए, 20 रुपये बढ़ जाएंगे सर। ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में कभी तो इजाफा कर दिया जाता है, कभी कमी कर दी जाती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पेट्रोल की कीमतों में कमी और इजाफे से आम जो आवाम है उस पर बहुत बोझ पड़ता है। अगर पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवी लगा के उसको कवर करती है, आम आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग हो रही है, जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल पेट्रोल की मॉनिटरिंग हो रही है, वो बिल्कुल बेकार और बेफजूल है, इसलिए कि उसका आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर इंटरनेशनल पेट्रोल 2-5 डॉलर कम होता है, उसका आवाम को नहीं होता, क्योंकि वो लेवी की मद में वही चीज़ें हमसे ले लेते हैं, ज़्यादा करके 10 रुपये घटाते हैं, 5 रुपये घटाते हैं, 3 रुपये घटाते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं, तो वो 30% घटाते हैं और 50% बढ़ाते हैं। आप ये बताइएगा, पेट्रोल की कभी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी जो है कमी कर दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये सब हुक्मराने वाला की मर्जी है, क्या कह सकते हैं इसमें? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि अब तो कम कर दिया गया, नेक्स्ट टाइम बढ़ा दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा? होनी तो कमी चाहिए, ठीक है, लेकिन बढ़ा दिए तो ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, अभी क्या कह सकते हैं। गरीब बंदा तो यही चाहता है कि कमी जितनी से ज़्यादा हो वो कम है, महंगाई कम हो और बाकी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए, क्योंकि बेरोज़गार बेचारे जो हैं वो रुल रहे हैं, तो इस वजह से। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाया आवाम का क्या कहना है, आवाम का ये भी कहना है कि हमारे मुल्क का अल्लाह ही मालिक है। अब जैसे पेट्रोल में कमी कर दी गई है, अब आने वाले दिनों में डबल कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, कोई नया बहाना करके टैक्स ऐड करके बढ़ा दिया जाएगा। अब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, कैमरामैन हसनैन के साथ साजिद ब्लॉग 24/7 न्यूज़ कराची।